ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਦੇਣ आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें लीगल कंस्ट्रक्शन जो भी रहेगी उस पर गांज गिरेगी। इसको में देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पे ये जो दुकान बनी हुई है इसे तोड़ा जा रहा है और साथ ही नीचे मोटरसाइकिल भी खड़े हैं और सामान भी है। फिलहाल ये दुकान जो है वो पूरे तरीके से तोड़ी जा रही है। मोटरसाइकिल जो है वो अभी भी यहाँ पे खड़े हैं और उसके ऊपर ये दुकान तोड़ी जा रही है। जो नाम बता दूं तो खुशबू गारमेंट के नाम से ये दुकान है जिसकी वेंडरिंग की गई और उसके ऊपर वाली दुकान को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ यहाँ पे पहुँचा हुआ है और ये दुकान जो है सामने मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं ये दुकान के नीचे पार्क किए गए हैं मगर फिर भी और दुकान जो है उसे तोड़ा जा रहा है। बड़ी अपडेट जेके चैनल पे देखते हुए आपको फिर बता दूं कि खुशबू गारमेंट की दुकान है जिसकी ऊपरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और फिलहाल नीचे जो है मोटरसाइकिल आप हटाए जा रहे हैं। भैया मेरे ऊपर कैमरा मार रही है और आप देख सकते हैं ये भी एक दुकान है जिसे यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। हालांकि इसे सामान निकालने दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे ड्राइव जो है वो चल सके। जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी लगातार जीएमसी द्वारा ये चिन्हित किए गए हैं एरिया जिन्हें तोड़ा जा रहा है। अब लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जगह जगह पे अपनी ड्राइव चला रहा है जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी या फिर जिनको बताया गया होगा अगर वो नहीं तोड़ते और उसके बाद इस तरह की ड्राइव जो है वो चलती है। और साथ ही आपको बता दें कि ये सब तोड़ने के बावजूद खर्चा जो है वो उसी दुकानदार से लिया जाता है जो अपनी इस कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ते। फिलहाल लगातार कंस्ट्रक्शन ड्राइव जो है वो चलते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी होगी उसे तोड़ा जाएगा। और साथ ही बता दें कि इस दुकान के साथ सटा हुआ ये ढाबा है जिसे अब इस ढाबे को भी यहां से उखाड़ा जाएगा और अब यहां से ये
ढाबे के लोग जो हैं वो अपना सामान यहाँ से निकालते हुए अस्सी साल के बैठे कहते अस्सी साल से बैठे हमारे यहाँ से हम अस्सी साल से बैठे हैं ये दुकान तोड़ी है एक गरीब बंदों की हम क्या करें अब हम कहाँ जाएं अब आपको नोटिस दिया था इन्होंने कोई नोटिस दिया कोई कुछ नहीं दिया संतोष शर्मा और चौकिया से इन्होंने दुकान तोड़ी है भाई अस्सी साल हो गया हमें ये मेरी मम्मी के नाम पर दुकान संतोष शर्मा टी स्टॉल है ठीक है ये जुल्म कर रहे हैं गरीबों के साथ ठीक है और इन्होंने कोई नोटिस दिया हमें और मेरे पास स्टे कॉपी भी है और स्टे भी लिया और स्टे ऑर्डर भी है मेरे पास इन्होंने बगैर नोटिस के दुकान तोड़ी मेरी ये सब मिले हुए हैं ये जालिम लोग हैं ये जुल्म कर रहे हैं खुदा की कसम लगी और हम हमारे और कोई कारोबार नहीं है और हम किसके पास जाएं हैं हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और हम कहाँ जाएं ये सब गलत कर रहे हैं हमारे साथ ये मेरी दुकान मेरी मम्मी की दुकान है ये अस्सी साल से दुकान है हमारे पास लाइसेंस भी है म्यूनसिपालिटी कागज भी है हमारे पास एक ही दुकान तोड़ी इन्होंने ठीक है और बाकी ये देखो ये सारी इलीगल दुकान है एक दो तीन चार ये कोई दुकान ही किसी ने तोड़ी खाली मेरी दुकान तोड़ी है हैं ये जुल्म कर रहे हैं अस्सी साल से तो हम बैठे यहाँ से लगातार यहाँ पे जिनकी दुकान है जिस तरह से वो बता रहे हैं पिछले 80 साल से ये यहाँ दुकान कर रहे हैं और मगर अब पीला पंजा जो है उस पर चलते हुए लगातार यहाँ पे पीला पंजा चलते हुए और इस ड्राइव में ये देख सकते हैं किस तरह से दुकान जो है और दुकान को कम्प्लीटली यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और साथ में इनका ये भी कहना कि इसके साथ सटी हुई दुकानें जो हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जाता और सवाल तो ये भी रहेगा आपको एक ही दुकान तोड़ी हमारी सर में काफी ज्यादा दुख है क्योंकि एक दुकान क्यों तोड़ी लगातार यहाँ पे बवाल साहब कहना है कि अगर ये दुकान तोड़ी गई है तो इसके साथ वाली दुकानें क्यों नहीं तोड़ी गई सारी दुकान तोड़ी चल रही जी क्या कहेंगे भाई मेरी बात सुनो कोई हम आज तोड़ी बैठे हैं 80 साल के बैठे हैं हम हैं मेरे मम्मी डैडी बैठे थे हैं तो आज को दो त्रा साल से थोड़ी नहीं बैठे हम लगातार यहाँ पे दुकानदार में कहीं ना कहीं रोष क्योंकि उनका कहना है कि अगर उनकी दुकान है उसके साथ ये भी दुकान है और उसके साथ और भी दुकानें हैं अगर गांज गिरी तो उन पे क्यों नहीं जी हाँ तो हमारे पास सब सबूत पड़े सब कुछ पड़े ना नोटिस ना कुछ क्या है तोड़नी ना सबकी तोड़े ना हमारी केले की जो तोड़ रहे हैं
किसको बैठाओ करता थाने में? आप यहाँ पे दुकान के ऑनरों को यहाँ से गिरफ्तार करके लेते हुए सर, ये जो ड्राइव चल रही है इसके बारे में बताएंगे? ये आप बता सकते हैं कौन से हैं हमारे? जी हमारे इंचार्ज है ना, वो बताएंगे। हम जाएंगे उनसे बात करना। हाँ सुनील जी हैं हमारे इंचार्ज, उनसे बात कीजिए आप, बता देंगे। हालांकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमसे बात की जाए, मगर यहाँ अभी तो लगातार दुखद दृश्य आपको बता दूं, ये दृश्य बिल्कुल केसी रेजिडेंसी के पास के हैं। ईदगाह रोड में ये दुकानें हैं जिन पे गांज गिरी है और इन दुकानों को यहाँ पे तोड़ा गया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस का एक बड़ा अमला यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे जो दुकान चालक थे उनका काफ़ी रोष यहाँ देखने को मिला है, जिसके चलते अब उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके लिया गया है। अब क्या कार्रवाई आगे रहती है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिलहाल बड़ी अपडेट जेके चैनल पर देखते हुए, दुखद यहाँ पे एक दुकान जो है पिछले 80 साल से थे वो, अब क्या कारण है ये तो कानून ही बता सकता है, मगर फिलहाल ये दुकान जो है वो तोड़ दी गई है और ऑनर जो है उसे फिलहाल पुलिस स्टेशन लिया गया है। और ईदगाह रोड से आपको दिखाते हुए केसी रेजिडेंसी के बिल्कुल सामने, देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।